नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। ये है आरो यारो वीडियो 2022-2023 के लिए हिंदी की श्रृंखला और ये है हिंदी की क्लास नंबर 12 जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं विलोम शब्द की। इससे पहले मैं 11 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं जिसमें मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम की दो क्लासें मैंने इसमें ले ली हैं। ये विलोम की तीसरी क्लास है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो पहला यहाँ पर दिया हुआ है साथियों निरावृत। पहला जो दिया हुआ है वो है विलोम शब्द निरावृत। निरावृत का उल्टा होगा आवृत, ठीक है ना। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ और निरावृत का मतलब होता है खुला हुआ। फिर है निवृत। अब देखो कितने मिलते जुलते हैं, ये है निरावृत और ये है निवृत। इसका उल्टा क्या होगा, प्रिवृत। फिर है निःसीम। निःसीम का उल्टा क्या होगा, ससीम। फिर है निर्गमन, ठीक है निर्गमन। देखिए वर्तनी पे भी ध्यान दें, निर्गमन जो रा उड़ता है वो बाद वाले पे उड़ता है। निर्गमन का उल्टा क्या होगा, आगमन। फिर है साथियों निर्वाक, इसका क्या होगा, सवाक। फिर है निश्चेष्ट, इसका उल्टा होगा सचेष्ट। फिर है निषिद्ध, इसका उल्टा विहित। फिर है निंद्य, निंद्य इसका उल्टा क्या होगा, वंद्य या अनिंद्य। देखो ये जो है ये घा नहीं है, ये दया है। इस तरीके से बनाता हूं मैं, यहां पे इसको बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूं। ये जो लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा हुआ है निंद्य इस तरीके से, है ना। तो ये दया है, निंद का मतलब जो निंदा के योग्य हो, और इसका उल्टा क्या होगा, वंद्य जो वंदना के योग्य हो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर है नीचाशय। नीचाशय का उल्टा सदाशय। फिर है परिग्रहित, इसका उल्टा परित्यक्त, ठीक है ना। परिग्रहित का मतलब होता है एक तरीके से अपनाना, ठीक है, और परित्यक्त का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। फिर है पल्लवन। पल्लवन का उल्टा संक्षेपण। फिर है प्रफुल्ल, इसका उल्टा म्लान। प्रफुल्ल मतलब खुश, म्लान माने दुखी। फिर है प्राप्ति आशा। प्राप्ति आशा का उल्टा क्या होगा, दुराशा, ठीक है। ये सीटी वाला सा है, ध्यान रहे, लिख देता हूं दुराशा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर, ठीक है, ये है दुराशा। फिर है पर्णकुटी, इसका उल्टा होगा प्रासाद। पर्णकुटी मतलब पर्ण माने पत्ते और कुटी मतलब कुटिया, तो पत्ते की झोपड़ी। और प्रासाद का मतलब होता है, ये देखिए ये प्रसाद नहीं है, ये प्रासाद है। प्रासाद मतलब महल। फिर है परुष। परुष का उल्टा कोमल। देखिए ये पुरुष नहीं है, परुष है। फिर आप सोचोगे ऐसा लगता है मास्टर लिखना भूल गए, इसे हम अपने आप पुरुष कर ले, ये पुरुष नहीं है, परुष है। परुष का मतलब होता है कठोर, इसका उल्टा क्या होगा, कोमल। फिर है प्रेम। प्रेम का उल्टा होगा घृणा। फिर है प्रीति। प्रीति का उल्टा क्या होगा, द्वेष। फिर है पृष्ठभाग, इसका उल्टा अग्रभाग। फिर है प्राची। प्राची का मतलब होता है आपका पूर्वी दिशा, और इसका उल्टा होगा प्रतीची यानी पश्चिम दिशा। फिर है प्रशस्त, इसका उल्टा संकुचित। फिर है प्रशांत, इसका उल्टा उद्भ्रांत। फिर है साथियों प्रयोक्ति, इसका उल्टा कटुक्ति। प्रयोक्ति मतलब प्रिय उक्ति, अच्छी बात, और इसका उल्टा क्या होगा, कटुक्ति यानी कटु यानी कड़वी बात। फिर है उत्तम। उत्तम का उल्टा अधम। आगे आ जाते हैं, देखिए साथियों। फिर है पाश्चात्य। पाश्चात्य का उल्टा क्या होगा, पौवर्त्य या पूर्वीय या पौरसत्य। ये देखिए पाश्चात्य के सब उल्टे हैं। पाश्चात्य मतलब पश्चिम से संबंधित, और ये है पौर्वत्य यानी पूरब से संबंधित। हम कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिम से जुड़ी हुई संस्कृति, तो पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम से जुड़ा हुआ। फिर है प्रसाद। प्रसाद का उल्टा क्या होगा, विषाद। अब यहाँ पर प्रसाद है, अभी हमने क्या देखा था, प्रासाद, दोनों में अंतर है। फिर है प्रखर। प्रखर का उल्टा मंद। फिर है प्रकृति, इसका उल्टा पुरुष। फिर है फाटक। फाटक का उल्टा हाटक। फिर है फुल। फुल का मिलान। फिर है साथियों फलाहारी, इसका उल्टा अनाजी। फिर है साथियों बड़ बोला, इसका उल्टा गुमसुम। फिर है साथियों भोक्ता। भोक्ता का उल्टा भुक्त। भगवान। भगवान का भगवती, ध्यान रखना भगवान का शैतान मत कर देना कि भगवान का उल्टा शैतान, क्योंकि यही हम सुनते चले आते हैं और इस तरीके के सवाल पेपर में गलत हो जाते हैं। भगवान का उल्टा भगवती। फिर है भंजक। भंजक का उल्टा योजक। फिर है भूमिका, उपसंहार, भ्रामक, निश्चात्मा, ये क्या लिखा है, निश्चात्मक। भ्रामक का उल्टा क्या होगा, निश्चात्मक। फिर है साथियों भौतिक। भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक। और फिर है भौतिकता। भौतिकता का उल्टा आध्यात्म। देखो कितना छोटा सा अंतर है, अगर केवल भौतिक दे रहा है, भौतिक का उल्टा बताइए, तो फिर आध्यात्मिक और भौतिकता का उल्टा आध्यात्म, याद रखना महत्वपूर्ण है।
फिर है भूतपूर्व, भूतपूर्व का उल्टा अभूतपूर्व। फिर है महात्मा, महात्मा का उल्टा दुरात्मा या तुच्छात्मा। महात्मा का मतलब महान है जो आत्मा, और इसका उल्टा क्या होगा, तुच्छात्मा, यानी जो तुच्छ है, नीच है, गिरा हुआ है। फिर है मंथर, ये था है मंथर, मंथर का उल्टा क्या होगा, क्षिप्र। फिर है मसरण, मसरण का उल्टा रुच। देखिए मसरण होता है चिकना, स्निग्ध, एकदम चिकना जो है उसे बोलते हैं मसरण, इसका उल्टा क्या होगा, रुक्ष। फिर है मानवता, मानवता का नृशंसता, आपने हिंदी में न्यूज़ में कभी कभार पढ़ा होगा कि व्यक्ति की गई नृशंसता के साथ हत्या, यानी बहुत बुरी तरीके से जानवरों की तरह। फिर है मुदित, इसका उल्टा खिन्न। फिर है मूल, मूल का उल्टा निर्मूल। और फिर है साथियों यद्यपि, इसका उल्टा तदपि या तथापि। और फिर है कृत्रिम, और कृत्रिम का उल्टा होगा साथियों प्रकृत। तो ये हुआ आज का वीडियो, इसमें कुछ हमने देखे, उम्मीद करता हूँ आपको नई चीज़ें मिली होंगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आरओ यारो हिंदी की तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। 60 में से 60 की जो जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं। चलिए, थैंक यू।